ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, तो आज हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ एविडेंस इन इंडियन कोर्ट्स। तो इंडियन कोर्ट्स में कितने तरह के एविडेंस चलते हैं, है ना, होना चाहिए ना, आपको भी पता होना चाहिए भी क्या क्या चलता है, ताकि तुम भी कल को किसी के एविडेंस सबूत इकट्ठे करो या तुम्हारे हो गए तो तुम उनको हटवाओ। ओके, सो पहला एविडेंस, पहला होता है ऑरल एविडेंस, यानी कि जैसे मान लो कोई मर्डर हो गया और आपने उसको देखा है मर्डर होते हुए, और तो आप बोलोगे कि जैसा मैंने मर्डर होते हुए देखा है, यानी कि तुम उसके सोल विटनेस हो या फिर जो भी है, तो तुम हो, यानी कि तुम ऑरल एविडेंस दे रहे हो कि भाई जैसा मैंने देखा है, मैं गवाही लेता हूँ, मतलब मैं गवाही देता हूँ। हालांकि वो बाद में क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, सब कुछ उसकी भी उसको भी कॉरोबरेट करा जाता है, कॉरोबरेट मतलब उसको मूलंकन करा जाता है, जैसे क्या बोलते हैं उसको, हाँ मूलंकन करा जाता है, उसको पूछा जाता है कि भाई तू था कहाँ था, तू क्या कर रहा था उस टाइम, तू पौवा लेने गया था क्या कर रहा था, मतलब ये सब भाई तू वहाँ क्या कर रहा था, सब कुछ पूछा जाता है। क्रॉस एग्जामिनेशन स्टेज होती है ट्रायल में, जब केस चलता है ना ट्रायल में, यानी कि जब ट्रायल चलता है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बाद, तो ट्रायल चलता है ना, तो फिर आर्ग्यूमेंट्स होती हैं और ये सब चलता है वहाँ पे। हाँ, तो फिर आते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जैसे कि लिखित वाले, यानी कि जैसे मैं एडवोकेट हूँ तो मेरे पास लाइसेंस है, अब उसका सबूत है कि मैं एडवोकेट हूँ तो मेरे पास लाइसेंस है, यानी कि उससे पता चल रहा है आपके पास घर है गाड़ी है, तो उसके आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं रिटर्न में, कागज़ पत्र जो भी होते हैं ना, वो डॉक्यूमेंट्स आपका हुआ है। जैसे कि मान लो आपके पास गाड़ी है सीस BMW 7 सीरीज़ मान के चलो, तो आपके पास अगर उसकी RC है तो वो आपका एविडेंस है कि हाँ यार ये गाड़ी मेरी है, ये आपसे बिलोंग करती है। फिर आते हैं प्राइमरी एविडेंसेस। प्राइमरी एविडेंस वो होते हैं जैसे कि ना मान लो फर्स्ट वाले होते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स में ही हैं, डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में ही, तो लेकिन वो प्राइमरी होते हैं। प्राइमरी जैसे कि मान लो आपके घर की रजिस्ट्री है, एक रजिस्ट्री हो गई, एक फोटोकॉपी हो गई, जो फोटोकॉपी होती है वो सेकेंडरी हो गई, लेकिन प्राइमरी क्या है, जो पहला है। मान के चलो आपने किसी की ऑडियो वो करी, रिकॉर्ड करी, अब जिस डिवाइस से करी वो प्राइमरी एविडेंस है, यानी उसको आपको संभाल के रखना पड़ेगा। आपकी ने किसी की वीडियो बनाई किसी डिवाइस से, वो आपके पास प्राइमरी एविडेंस है, यानी कि आपने प्राइमरी एविडेंस है। अगर उसकी आप फोटो कॉपी करते हो, ऑडियो कॉपी कराते हो, CD बनवाते हो, पेन ड्राइव में डालते हो, वो सेकेंडरी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी मैंने आपको इसी में बता दिया क्या होते हैं। सेकेंडरी मतलब उसकी फोटो कॉपी, जैसे मान लो आपके पास ओरिजिनल है कोई डॉक्यूमेंट्स है रजिस्ट्री वगैरह, तो उसकी आपने फोटो कॉपी करा ली तो वो सेकेंडरी हो गए, सिंपल। फिर आते हैं इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जैसे मान लो टैब हो गया, या फिर कोई भी वॉच हो गई एप्पल की, जिससे आप रिकॉर्डिंग करते हो, फोटो लेते हो, ये सब तो मीडियम हो गए, लेकिन अगर इनसे आप कोई एविडेंस पर्याप्त वो कर रहे हो, तैयार कर रहे हो, तो वो भी एविडेंस माने जाते हैं। लेकिन इसमें ना जो तजुब है ना, क्या बोलते हैं उसको, इंपॉर्टेंस जो दी जाती है वो वीडियोस को दी जाती है। ऑडियो का क्या है ना यार, ऑडियो में क्या है, आजकल कितनी ऐप्स चल रही हैं, वॉइस चेंजर, ये सब तो ऑडियो को ना इजीली वो करा जा सकता है, यानी कि छेड़छाड़ करी जा सकती है। लेकिन वीडियोस में क्या होता है, पता चलता है। अगर आपने डीप फेक सुना होगा ना कभी, डीप फेक, तो उसमें वीडियो को भी चेंज करा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि वीडियो है तो भाई पक्का ही है, डीप फेक आने वाली टेक्नोलॉजी है तो वो उसको भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि जो वीडियो वाले एविडेंस होते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, वो उसमें भी गड़बड़ हो जाती है। ये नहीं है कि पक्का, तभी तो जो कोर्ट है ना उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन की स्टेज बनाई है, कोरोबरेट करते हैं, तभी तो वो सही है मतलब। और नेक्स्ट आते हैं डायरेक्ट एविडेंस। जैसे कि ना मान लो आपने कोई चीज़ देखी, चोरी हुई, आपने देखा भी मैंने देखा है उसको, यानी कि किसी भी सेंस, कोई भी सेंस से आपने परसीव किया उसको डायरेक्ट, यानी कि आपने देखा उसको, मतलब आप खुद वो आपने देखा, आपने महसूस किया किसी भी सेंस से, आंखों से, अपने मतलब जो भी, समझ रहे हो ना, मतलब डायरेक्ट एविडेंस। फिर आता है ना प्रीमा फैकी एविडेंस। प्रीमा फैकी मतलब जैसे ना कोर्ट को देखते ही पता चल रहा है कि यार ये तो है ही है। जैसे कि मान लो कोई लड़का है, वो किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ कर रहा है और उसकी वीडियो है बकायदा, यानी कि बकायदा वीडियो, अब वो कह रहा है कि जैसा भी मैं नहीं हूँ और मैंने तो ऐसा मैं कर ही नहीं सकता, ये नहीं, लेकिन जैसा आपको देख के पता चल रहा है भाई तू ही तो है गधे की नाल, तू ही तो है, ये दिख रहा है, अब इसमें क्या देखें, इससे ज़्यादा क्या करें, जब तू एक्टिविटी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो तू ही है इसमें, तो वो होता है ना प्रीमा फैकी, मतलब उसको देखने के बाद कुछ बचा ही नहीं लास्ट, यानी कि उसके आगे ना कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, भाई दिख गया ये तो साफ पता चल रहा है। प्रीमा फैकी का मतलब भी यही होता है, ऑन द फेस ऑफ इट, मतलब देख के ही पता चल रहा है। फिर आते हैं हेयर से एविडेंस। हेयर से एविडेंस ना हालांकि वीक होते हैं, जैसे मान लो किसी ने सुन लिया, कोई चोरी हुई, मर्डर हुआ गली वाली मोहल्ले में, और उसने किसी से सुन लिया कि यार मर्डर हुआ है, और वो बंदा कह रहा है कि मैंने मर्डर कराया भाई, अब उसने सुन लिया, वो आके कहता है भाई मैंने तो उससे सुना था, वो कह रहा था, तो ये होते तो एविडेंस है पर वीक होते हैं, इनका कोई मतलब इतना महत्व होता नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आता है सरकमस्टेंशियल एविडेंसेस। सरकमस्टेंशियल एविडेंसेस होते हैं जैसे कि ना मान लो किसी सरकमस्टेंस से पता चल रहा हो, जैसे मान लो ए ने बी का मर्डर करा, लेकिन पक्का सबूत नहीं है कि ए ने ही बी का मर्डर करा है, लेकिन उससे पहले एक दिन पहले उसने चक्कू खरीदा था, उसने ग्लव्स खरीदे थे, उसने साइनाइड की दवाई खरीदी थी, उसने मास्क खरीदा था, और जिस दिन मर्डर करा था वो वहाँ पे था, मतलब वहाँ पे था, यानी कि अपनी यूजुअल प्लेस पे नहीं था, जैसे मान लो वो बिजनेस करता है या जॉब करता है, तो जिस दिन मर्डर हुआ वो अपनी उस जॉब से गायब था, यानी कि कहीं था, तो इसको बोलते हैं सरकमस्टेंशियल एविडेंस, यानी कि लिंक, सरकमस्टेंस से पता चल रहा है,
समझ रहे हो। अगर आप ज़्यादा डीप में जाओगे तो इसको वन वर्ड में रेस कैस्टे बोलते हैं, सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, सेम ट्रांजेक्शन बनाते हैं जो रिलेवेंट फैक्ट्स हो गया। और मैं देख के बताता हूँ, थोड़ा भूल जाते यार। फिर होते हैं डायरेक्ट हो गया, हाँ जी, फिर होते हैं जुडिशियल एविडेंस। जुडिशियल एविडेंस जैसे कि ना, मान लो किसी पर्सन ने कन्फेस कर लिया, मान लो किसी का मर्डर हुआ, रेप हुआ, अब वो जब ट्रायल होता है ना, तो जज साहब पूछते हैं, जब ट्रायल स्टार्ट होने से पहले ना, उसको पूछते हैं कि भाई तू अपने आप को गिल्टी फील करता है नहीं करता है। तो अगर वो फील करता है कि हाँ यार मैंने किया है, और वो खुद कन्फेशन कर लेता है मैजिस्ट्रेट के सामने, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने वो खुद कन्फेशन कर लेता है कि जज साहब मतलब मैंने ही ये सब किया है क्राइम, तो वो भी एक तरह के एविडेंस है। कोई भी हो सकता है वो, जैसे कि मान लो एक्यूज्ड है, एक्यूज ने कोई क्राइम कर दिया, अब वो चाहता है कि यार मैं अपने मतलब सेल्फ गिल्ट है मेरा, तो मैं मान लेता हूँ, क्यों कोर्ट का टाइम वेस्ट करें। तो वो कह देता है जज साहब के सामने, वो जुडिशियल कन्फेशन में, कि जज साहब ये मैंने ही किया है। और तो वो भी एक तरह का सबूत है, यानी कि उसको, हालांकि जज साहब उसको वो देते हैं कि भाई देख ले तेरे खिलाफ जाएगा ये, सोच ले, तो वो अगर उसने बोल दिया कि हाँ ये मैंने ही किया है, तो फिर उससे वो बैक नहीं जा सकता। तो वो भी एक तरह का एविडेंस है, सबूत, क्योंकि सबूत आ गया तो अब उसको सजा होगी, और सबूत काम इसलिए आते हैं कि हाँ यार किसी को सजा दिलवानी या किसी को बचाना, इसलिए तो काम आते हैं सबूत। ओके, और नेक्स्ट हो गया नॉन जुडिशियल एविडेंसेस, यानी कि किसी ने आउटसाइड द कोर्ट कोई बात कही हो, जैसे मान लो एक तो होता है अथॉरिटी के सामने, जज साहब के सामने कह रहा है कि जज साहब मैंने किया है ये सब, एक होता है किसी थर्ड पर्सन के सामने कह रहा है कि यार ये मैंने किया था लेकिन मैं कोर्ट में कह नहीं सकता, हालांकि वो वीक एविडेंस होते हैं, उनकी कोई इतनी वैल्यू नहीं होती, तभी तो कोर्ट में वो हार जाते हैं ना क्रॉस एग्जामिनेशन में ये सब। लेकिन जो जो मेन एविडेंस है ना, वो होते हैं डायरेक्ट, ओरल, प्राइमरी और ये वाले अपने प्रीमा फैकी, यानी देख के ही पता चल रहा है भाई आपको, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, पता ही चलता है देख के। ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर। ओके, बाय।